सबसे पहले तो जिन लोगों ने भी आर्क्स रिलेटेड में क्वेश्चंस पूछे उन सबको थैंक यू सो मच कि आपने जितने भी क्वेश्चंस वहां पर पुट ऑन किए हैं, और उनमें से कहीं ना कहीं 25 क्वेश्चंस जो है वो फाइनली हमने पिक किए हैं और आपके सामने हम उनके आंसर्स लेकर हाजिर हैं, जिनमें से 3-4 वीडियोस जो है, कम से कम 4 जो क्वेश्चन ऐसे हैं वो डेफिनेटली एक डिफरेंट डेडिकेटेड वीडियो मांगते हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा रीजन उसमें ये है कि अगर हम देखें तो उनके जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े ब्रीफली आंसर्ड उनको देना होगा, वो एक वीडियो में हम उसके आंसर नहीं दे पाएंगे, उसके थोड़ा डीप जाना होगा, इसी वजह से वो वीडियोस हम आपके सामने एक करके वीडियोस उनके सामने प्रेजेंट करेंगे। विश्वजीत भंडारी, मनोज नेपाल, एलनी वर्ल्ड और लोधा, इन चारों ने जो क्वेश्चन पूछे थे, इन चारों के जो क्वेश्चन हैं ये हमने नोट डाउन कर लिए हैं, उसमें हम कहीं ना कहीं डिस्कशन कर आपके लिए एक अलग से स्पेसिफिक वीडियो आधी शाम तक या फिर कल आपके सामने प्रेजेंट जरूर करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो हमने क्वेश्चन पिक किए चलिए उस बात कर ली जाए। सबसे पहला क्वेश्चन था सूरज शर्मा, इन्होंने पूछा कि व्हाई कांट ऑर्गेनाइज अ सीरीज अगेंस्ट फुल मेंबर टीम इन दिस इंपॉर्टेंट सिचुएशन, एमिरेट्स बोर्ड ऑर्गेनाइज हाउ इजीली ऑन सीरीज अगेंस्ट फुल मेंबर, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद कैन। नहीं जरूर, देखिए इसमें कोई दोराय नहीं है। अगर हम बात करें सूरज जी, देखिए अगर आप देखेंगे एमिराज क्रिकेट को तो उनकी सोर्सेज, उनका जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आपको मालूम हो कि सोर्सेज की बताने की ज़रूरत नहीं है कि यूएई में कौन कौन क्या क्या किस किस के रेजिडेंट हैं, यूएई में अगर हम बात करें यूएई की पहुँच जो है वो बहुत ऊपर तक है। ये सीधी सी बात है, जो कि जो डेली क्रिकेट हमेशा स्ट्रेट बात करता है यहाँ पर, सीधा है एमिराज क्रिकेट की जो पहुँच है वो बहुत ज़्यादा है, और एमिराज क्रिकेट का जो एक पैसा एक सोर्सेज, उनकी जान पहचान ऐसे ऐसे लोगों से है, इतने बड़े बड़े रिचेस्ट पर्सन से है, तो इसमें कोई दोराय नहीं है कि वो बहुत आसानी से सामने वाली जो फुल मेंबर्स हैं उन्हें अपनी तरफ से ही पैसा देकर पीछे के रास्ते से काफ़ी ज़्यादा मनी देते हैं और साथ साथ में खिलवाते हैं। 3 T20 हो, 3 ODI हो, कोई दिक्कत उन्हें होती नहीं, और बकायदा जो सामने वाली टीम के प्लेयर्स हैं वो वहाँ पर आकर, अब तो IL T20 शुरू हो गया है तो वहाँ पर आके खेलते हैं, और फिर AD T10 जो कि खुद का कोई लीग ही नहीं है, वो बकवास लीग भी, वो वहाँ पर आकर फुल मेंबर्स के प्लेयर कई हैं जो वहाँ पर आकर खेलते हैं, तो ये सोर्स पैसा और काफ़ी ज़्यादा जो उनका पावर है वो दिखता है, इसलिए आप सीरीज देख पाते जी। अगर प्रश्न के दौरान नहीं है कि उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, आपको क्या लगता है, उन्होंने वेस्ट इंडीज को बोला कि प्लीज आप हमारे साथ 3 मैच खेलिए और वो खेलने के लिए तैयार हो गए, ऐसा ही बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छी खासी रकम भी वहाँ पर पहुंची है। खैर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, संदेश गेमिंग की, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को लूँ, यहाँ पर ये इन्होंने कुछ पर्सनल पूछा है यहाँ पर, व्हेन यू गाइस विल कम टू नेपाल, उम्मीद तो बहुत है कि जल्द से जल्द वहाँ जाएँ कहीं वह देखें, लेकिन सबसे बड़ी बात, हाँ एक चीज़ जरूर आपको बता दें जो यहाँ भी लगातार मुझसे कहते रहते हैं, जाएंगे तब जब वहाँ पर भीड़ का नामो निशान नहीं होगा। बिल्कुल जी हाँ, जाएंगे ग्राउंड पर कुछ देर बैठेंगे वगैरह वगैरह देखेंगे, कुछ आसपास के लोगों से मिलेंगे, ग्राउंड के बारे में बात करेंगे, और सिंपल क्या करेंगे, वो ढिंडोरा पीट कर जाना, वो हल्ला गिद्दी करना, यहाँ पहुँचे यहाँ पहुँचे वो पहुँचे, वो भीड़ वही लाना लोगों के बारे में, ये सब हमें पसंद नहीं है, आपको ही पता है, ये सब चीज़ें से हम दूर बचने की कोशिश करते हैं, सिंपल जाओ साइलेंट तरीके से जाओ, अपना ग्राउंड जो वेन्यूज वगैरह हैं, जो जगह हैं खूबसूरत, उनको एंजॉय करो और वापस आ जाओ, ये सबसे बेस्ट रहेगा। ये ढिंडरा पीट कर जाना, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, ये सब चीज़ें जो ग्लैमर आप कह सकते हैं, ये सब और डिलीवर को देख के आपको लगता भी है कि हम ग्लैमर का दूर दूर तक हमारे में नाता होने वाला है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि आप लोग शादी कब कर रहे हैं, शादी बस जैसे ही आपने लड़की ढूंढी और हम शादी करने तैयार हैं, चलिए जिम्मेदारी हम आपको देते हैं, आज से आप स्टार्ट हो जाइए। खैर उसके बाद आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं, और इंडिया में कहाँ से हैं आप लोग, पहले बता चुके हैं हल्द्वानी से, तो वहीं पर हमारा जो है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आता है विवेक पांडे, एंड इनका जो क्वेश्चन है ये है, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप दैट शुड बी टेकन बाय नेपाल नेशनल क्रिकेट टीम इन कमिंग डेज टू रिमेन टॉप 2 इन वर्ल्ड कप क्वालिफायर एंड प्ले वर्ल्ड कप, हाउ डू यू एक्सप्लेन अबाउट द भीम परफॉर्मेंस इन नेपाल नेशनल क्रिकेट टीम एंड रोल ही हैज़ टू बी प्लेड। नहीं देखिए, पहले तो अगर कैसा एक स्टेप्स हो यहाँ से नेपाल का वर्ल्ड कप क्वालिफायर तक के लिए, नहीं जरूर हमने प्रीवियसली एक वीडियो में बताया था इसके बारे में, और आपने सुना भी जरूर होगा कि किस तरीके से क्रिकेट खेले, कहाँ जाए, कैंप लगाए, कुछ स्क्वाड सिलेक्शंस हो, या पहले 25 का, फिर 20 का, फिर 16 का, इस तरीके से
एक वीडियो हमने काफ़ी बेटर वे में समझाया था, ज़रूर आपने सुना होगा, फिर से ज़रूर सुनिएगा। और जहाँ तक बात है भीम शार की को लेकर, जी हाँ, तो वो बहुत बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, बहुत बहुत बेहतरीन एक वन डाउन के एक सॉल्यूशन कहीं ना कहीं है अभी हाल फिलहाल में देखे। और फिर अब नया वर्ल्ड क्रिकेट लीग भी आएगा एक और, तो उसमें भी हम उम्मीद करेंगे कि वो अच्छा खेले। और साथ ही साथ में जो गलतियाँ हैं, गलतियाँ करें, ज़रूर करें, हर किसी से गलती होती है, पर इम्प्रूवमेंट भी हमें दिखे कि हाँ पिछले दो मैचों में उन्होंने ये गलती की थी, तो तीसरे मैच और चौथे मैच में उन्होंने ये गलती छोड़ दी है, वो गलती अब वो नहीं कर रहे हैं, तब आप बहुत बड़े प्लेयर बन सकते हैं। अदरवाइज आप एक नॉर्मल प्लेयर बन के रह जाएंगे जो क्रिकेट में आया, 1000-2000 रन किए और चले गए टीम से। ऐसे कई प्लेयर हैं देश के, कई दुनिया के ऐसे प्लेयर हैं, ऐसा मत बनिएगा, क्योंकि आप में वाकई में बहुत कमाल का टैलेंट है। बिल्कुल, इसमें कोई दोहरा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, इसको एक और एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक प्लेयर लगातार 10 मैचेस में लगभग सेम तरीके से आउट हो रहा है और 10 मैच बाद भी वो उसी तरीके से आउट ही होता चला जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो उस चीज़ में अपने वर्क कर नहीं रहा, इम्प्रूवमेंट हो नहीं रही है, तो उस चीज़ को बेहतर करने की यहाँ पर नजर जरूर होगी। उसके बाद डेमोन आर्शन की बात करें, इन्होंने पूछा, इफ आदर श्रीलंका और वेस्ट इंडीज फेल टू रीच वर्ल्ड कप 2023 आफ्टर प्लेइंग क्वालिफायर, डज दिस प्रूव दैट एसोसिएटेड आर मोर पावरफुल देन बिफोर। देखिए इसका दो सेक्शन है। सबसे पहले कि जाहिर सी बात है कि 10 टीम्स की जो स्पॉट है वर्ल्ड कप में, 10 टीमों की स्पॉट 2023 की हम बात करें, उसमें अगर कोई एसोसिएट टीम पहुंचती है आपको क्रेडिट एसोसिएट टीम्स को भी देना पड़ेगा, क्योंकि आज एसोसिएट नहीं पहुंचते हैं। अब आप देखिए एसोसिएट टीम्स ने ओडीआई वर्ल्ड कप आखिर पिछली बार कब खेला था, वर्ल्ड कप की मैं बात करूं आप तो खेले स्कॉटलैंड ने खेला, यूएई ने खेला, उसके बाद केन्या तो खैर एक वक्त काफी खेला करती थी, तो ये ओडीआई वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना इतना आसान होता नहीं है, लेकिन अगर 10 स्पॉट में भी आकर स्टेट वहां पर जब जगह बना ले रहा है तो आपको उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। और साथ साथ में यहाँ पर थोड़ा सा क्रेडिट आपके वेस्ट इंडीज और श्रीलंका की जो 50 लॉन्ग फॉर्मेट में जो उनका जो स्तर है, जो खेल का स्तर गिरा है, उसको भी कहीं ना कहीं दोष देना, खास करके वेस्ट इंडीज का। बहुत सही, बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें दोहराया नहीं है, फुल क्रेडिट जाएगा यहाँ पर एसोसिएट टीमों को अगर वो ऐसा करते हैं, और इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर ये बहुत बेहतर हो कि अगर 2019 में भी ऐसा होता काश, तो इम्पैक्ट और पड़ता। ये 50 ओवर की हम स्पेशली बात करें क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है सामने, तो अगर ऐसा होता, क्योंकि अभी देखिए 2019 में कोई भी एसोसिएट टीम नहीं थी, क्वालिफायर्स में थी, 2018 के क्वालिफायर में एसोसिएट टीमें थी, लेकिन पहुंचा कोई नहीं, वही सेम टीमें फुल मेंबर्स के साथ वर्ल्ड कप हुआ था। तो 2023 में भी अगर उम्मीद होगी, अगर ऐसा होता है, भाई टीमों को हराकर एसोसिएट पहुंचती है, तो क्यों नहीं, चारों तरफा तारीफ होगी, कोई तारीफों के पुल बांधेंगे, बड़े बड़े कमेंटेटर भी तारीफ करते हुए नजर आएंगे, तो यही होगा, परफॉर्मेंस के दम पर ही टीम पहुंचेंगी। और देखते हैं श्रीलंका वेस्ट इंडीज क्या करती है और बाकी टीम एसोसिएट की क्या करती है। बिल्कुल, तो सिंपल है कि डेफिनेटली 70% आपको एश्योर क्रेडिट देना होगा कि हाँ उन्होंने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस की है, 30% श्रीलंका वेस्ट इंडीज का जो गेम खेला है रिसेंटली उसको भी देना होगा, खास करके वेस्ट इंडीज का। उसके बाद बात करें विवेक पांडे, इनका क्वेश्चन है, योर फेवरेट एसोसिएट बॉलर। ऑब्वियसली इसमें कोई खराय नहीं है, एक ही वोट, एक ही जब से देखा है वो है संदीप रामीचा ने, इसमें कोई डाउट नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, कैलिबर क्या है, कहाँ पिच है, कौन सी पिच है, मेरे से उनका यही रिएक्शन रहता है, ठीक है लॉब बॉल दो, 10 ओवर कराने चालू करने हैं, या 4 ओवर, T20 है तो 4 ओवर, वनडे है तो 10 ओवर, उनको यही मतलब है, उनकी बॉडी रिएक्शन से देखने से लगता ही नहीं है कि सामने वाली पिच स्पिन फ्रेंडली है या पेसिंग विकेट बैटिंग फ्रेंडली है, बॉलिंग फ्रेंडली है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। ऑब्वियसली संदीप बहुत बहुत बड़े कैलिबर के बॉलर हैं, फुल मेंबर्स में हो, उनके रिकॉर्ड इतने बेहतरीन है, इतनी जल्द से जल्द वो मैचों में इम्प्रूवमेंट लाते हैं, बॉलों को बदलते हैं, खाली ये बोलकर नहीं बड़े हैं बड़े कैलिबर बड़ा है, ऐसा नहीं है, एक एक ओवर दर ओवर वो अपना एक्सपीरियंस दिखाते हैं, अगर एक ओवर में महंगे गए हैं दूसरे ओवर में वो वापसी करने में लाजवाब है, ये वो हम कई बार देख चुके। बिल्कुल, उन्हीं का अगला क्वेश्चन है, फेवरेट एसोसिएट बैट्समैन, डेफिनेटली काइल कॉटसन, और कोई डाउट रहेंगे और अभी लंबे वक्त तक रहेंगे, जब तक कोई उस लेवल का प्लेयर हमें दिखता नहीं है कि वो उस लेवल के उतना इम्प्रेस कर पाए। वहीं बात करें ऑलराउंडर की, दिशान मकसूद को बहुत अच्छे बेहतरीन ऑलराउंडर है, साथ साथ में वो कैप्टनसी भी संभालते हैं, तो उनकी जो उनका जो काम है वो चौतरफा हो जाता है, आप 3D players कहते हैं, ये 4D है, वो कैप्टनसी भी यहाँ पर संभालनी होती है और अच्छा कर रहे हैं, वर्ल्ड कप क्वालिफायर में टीम को वो पहुंचा कर दम ले चुके हैं। उसके बाद द प्लेयर हु इंप्रेस्ड यू द मोस्ट, इसको हम थोड़ा सा क्रैक कर देते हैं आपके इस क्वेश्चन को, यहाँ पर हम डालना चाहेंगे कि प्लेयर एज अ प्लेयर की बात तो हम बाद में करेंगे, एज अ प्लेयर की बात हम नहीं कर रहे हैं, कैप्टनसी में रोहित पुड़ल ने थोड़ा इंप्रेस जरूर, देखिए तो उनकी एज जिस तरह की है और जिस तरह की वो डिसीजन लेते हैं इस एज में, डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि जो कोच सर है उनका भी काफी इन्वॉल्व रहता है, बिल्कुल रहता है, लेकिन ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट भी तो करना है। देखिए क्लास में जब टीचर को ये चीजें पढ़ाते हैं
तो वो तो 30 के 30 बच्चों को पढ़ाते हैं ना, बिल्कुल, लेकिन उसमें से 15-20 कोई बेहतर तरीके से समझ में आता है, बाकी सब 10-15 जो है, 10-15 जो है जिन्हें बैक बेंचर्स कहते हैं, वो कहीं ना कहीं कभी आधा समझ पाते हैं, कभी नहीं समझ पाते, कभी उन्हें आधी चीज़ें याद नहीं होती। इसका मतलब है कि वो 15-20 बच्चे जो है वो ज्यादा तरीके से फोकस कर रहे हैं, उन 15-20 बच्चों की कैटेगरी में आप रोहित पटेल को डाल सकते हैं अगर हम इस लैंग्वेज में देखें तो। बहुत जल्दी सीखते हैं और सबसे बड़ी बात उनके डिसीजंस में मैच्योरिटी बहुत नजर आती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में झलकता ही नहीं है कि वो कैप्टनसी कर रहे हैं इस टीम की और ये प्लेटफॉर्म कौन सा है एंड क्या कहेंगे आप। नहीं जरूर, इसको कोई दोहरा ही नहीं है, बहुत काम कंपोज रहते हैं और लगता नहीं है कि इसी टीम में सीनियर प्लेयर भी मौजूद है। आप देखेंगे करण केसी, सोमपाल कामी टीम के साथ है, आरिफ ज्ञानेंद्र साहब ज्ञानेंद्र थे तो ऐसा बिल्कुल नहीं, आरिफ शेख है वहां पर, तो बहुत बेहतरीन डिसीजंस लेते हैं और अपने डिसीजंस दूसरों की रेस्पेक्ट करते हैं, सुनते भी हैं और अपने भी ये कप्तान को भी होना चाहिए कि भाई मेरा भी ये डिसीजन है, मैं इसे इंप्लीमेंट करके रहूंगा टीम में, और टीम के मेंबर्स भी फुल सपोर्ट में है, तो ये तभी होगा जब आप एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगे टीम को। शानदार है रोहित पटेल, बहुत बेहतरीन। जी हाँ, तो यहाँ पर एज अ कैप्टनसी जिस एज में कैप्टनसी कर रहे हैं उसमें उन्होंने इंप्रेस जरूर यहाँ पर किया है। खैर अब बात करें अगले क्वेश्चन की। प्रशांत ने क्वेश्चन पूछा है, नेम एनी 5 एसोसिएट प्लेयर्स यू वांट टू सी इन व्हाइट जर्सी। देखिए सबसे बड़ी बात है, हमारे जो टॉप प्रायोरिटीज होते हैं ना वो अभी सबके सब रिटायर हो चुके हैं। जरूर जी हाँ, इसमें कोई दोहराई नहीं, जो सबसे पहले 5 प्लेयर होते हैं वो पांचों के पांचों रिटायर हो चुके हैं, तो अगर आप अभी प्रेजेंट में पूछते हैं तो चलिए हमने 5 नाम यहाँ पर पिक किए हैं, कौन कौन से वो 5। नहीं जरूर, देखिए ग्रैंड रास्मस, आसिफ शेख जी हाँ, संदीप रामीचाने, बिलाल खान और अयान अफजल खान जी हाँ, ये 5 नाम है हमारे जिनको हम जरूर देखना चाहेंगे कि एक दिन ऐसा आए कि ये लोग वाइट जर्सी खेलें और इनकी परफॉर्मेंसेस जिस तरीके के प्लेयर हैं देखना चाहेंगे। ग्रैंड रास्मस को कि वो कैसे बैटिंग कर रहे हैं, कैसा टेम्परमेंट दिखा रहे हैं, आसिफ शेख इतनी विकेट कीपिंग करने के बाद कैसी बैटिंग करते हैं, किस तरीके से नई बॉल को जो कि रेड बॉल होती है बहुत डिफरेंट होती है वाइट बॉल से, जमीन आसमान का अंतर है दोनों बॉलों में, उसे कैसे करके फेस करते हैं, कैसे वो अगर पहला लंच को क्रॉस कर गए तो उसके बाद वो किस तरीके को अपना गेम चेंज करते हैं, तो ये देखना है। संदीप लामीचाने एक लेग स्पिनर रेड बॉल क्रिकेट में, शेन वॉन एक ऐसे थे जो कि सबसे बड़ा नाम उन्होंने किया, बहुत सक्सेसफुल है, अमूमन लेग स्पिनर और दिखते नहीं है हमें खासकर रेड बॉल, बिल्कुल सही कहा आपने, अरुण कुंबले एक है जी हाँ, लेकिन ऑफ स्पिनर हमें काफ़ी दिख जाते हैं, तो वो देखना होगा किस लाइन और लेंथ पे रखते हैं बॉल संदीप, लॉन्गर पीरियड तक कैसे करके बॉलिंग करा रहे हैं, क्योंकि 10 ओवर 4 ओवर ये शॉर्ट पीरियड है, 10 ओवर एक अच्छा पीरियड है लेकिन 4 ओवर तो बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन पूरे दिन में आपका माइंड सेट कैसा रहता है वो संदीप से उम्मीद होगी कि वो उसे आप खोएंगे नहीं। बिलाल खान लेफ्ट आर्म पेसर है, देखना होगा पुरानी बॉल से रिवर्स करा पाएंगे या नहीं, नई बॉल से कैसे करके बॉलिंग कराएंगे, थ्रू आउट द डे अपने आप को फिट रख पाएंगे या नहीं उस तरीके से, और अयान अफजल खान के पास सबसे बेहतरीन मौका है कि वो वाइट जर्सी का सपना लिए हैं और उम्मीद है यहाँ पर कि वो कहीं ना कहीं का जरूर वॉर करेंगे वाइट जर्सी। बिल्कुल, क्योंकि इन प्लेयर्स की अगर हम देखें तो अयान अफजल खान जो है वो एज भी उनका साथ दे रहा है, और साथ साथ में जो हमने आपको बताया है कि ये जो तीसरा रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे हैं उस लिहाज से इतना लंबा वक्त भी इंतजार भी शायद उन्हें ना करना पड़े, अभी ऐसा नहीं कि अभी एक साल में, लेकिन इतना लंबा इंतजार भी शायद उन्हें ना करना पड़े। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सुमन खत, इन्होंने पूछा व्हाई डिड यूएई ओमान नेदरलैंड स्कॉटलैंड बोर्ड गॉट एनफ मनी टू हैंडल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ क्रिकेट इंक्लूडिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूर्नामेंट वेयर एज नेपाल पीएनजी यूज्ड टू लैक इन दोज एरिया ड्यू टू बजट। तो यहाँ एम इन्होंने पूछा कि यूएई ओमान नेदरलैंड स्कॉटलैंड के पास आखिर इतना पैसा कैसे है कि वो सारी हैंड एक्टिविटीज को हैंडल कर सकते हैं। यूएई ओमान के पास आप कह सकते हैं पैसे फैसिलिटी सब कुछ है, लेकिन नेदरलैंड स्कॉटलैंड इस कैटेगरी में नहीं आते, एम जरूर समझे। नहीं जरूर, ये शायद आपसे आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, ये डेलीग्रेट ने डाला भी था कम्युनिटी में, कम्युनिटी के थ्रू, क्योंकि स्कॉटलैंड को लॉस हुआ है, स्कॉटलैंड का जो बजट है उसमें काफी सारा कटा है, 30-35% का लॉस स्कॉटलैंड को पिछले एनुअल बजट में हुआ था, एनुअल ईयर में हुआ था, अगर आपने शायद आपसे मिस हो गया हो, लेकिन नीदरलैंड स्कॉटलैंड की हालत इतनी खस्ता है, आप बताइए कब नीदरलैंड स्कॉटलैंड ने कौन सा इंटरनेशनल सीरीज कराया है, बायलैटरल माफ कीजिएगा, बायलैटरल सीरीज कौन सी कराई है, पिछले एक साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए, आप स्कॉटलैंड के प्लेयर रोए जा रहे हैं कि आपने सीरीज दीजिए, मार्क वाट हुए, उन्होंने कहा, रिची बैरिंगटन हुए, उन्होंने कहा इतनी मशक्कत के बाद जाके एंटीगुआ में एक कैंप लगाया और उसके बाद फिर गायब है, अब फिर स्कॉटलैंड का कोई आता पता है नहीं, T20 खेला था स्कॉटलैंड ने कूल एंड स्मूथ, उसी में प्लेयर बिजी थे, 50 ओवर का अभी फिर से कलंबा खस्ता हाल है, सब अपने अपने में, एक आध प्लेयर कहीं चले जाते हैं, डोमेस्टिक जरूर बेहतर है स्कॉटलैंड का, बहुत बेहतरीन डोमेस्टिक है, इतना ज्यादा लो बजट होने के बावजूद एक समर आता है उनका जहां पर 1.5 महीने का क्रिकेट खेला जाता है नीदरलैंड में भी और स्कॉटलैंड में भी, पर
बायलैटरल सीरीजेस अगर आप बात कर रहे हैं यूएई ओमान की तरह, तो सॉरी ऐसा बिल्कुल नहीं है। नीदरलैंड और स्कॉटलैंड की जो हालत है इंटरनेशनल लेवल पर, वो क्रिकेट बिल्कुल नहीं कराते हैं। ज़्यादा बातचीत दूसरे इशूज़ में और इसको लेकर काफ़ी होती है, पर क्रिकेट को लेके बात कि मेरी हमारी टीम खेलेगी क्या, महीने में करेगी क्या, इस पर खाली रहती है बात बस। समर हाँ, डोमेस्टिक में एक समर जब आता है उनका वो पीरियड, तब बस एक डेढ़ महीने के लिए वो बिजी रहते हैं। बिल्कुल, तो क्लियर है कि स्कॉटलैंड, आप खुद ही सोचिए स्कॉटलैंड नीदरलैंड बायलैटरल सीरीज कितने ही खेलते हैं। अगर आप देखें, अगर आप दो तीन सालों में उठाकर देखेंगे, डेफिनेटली स्कॉटलैंड के, स्कॉटलैंड खुद डेप्थ में चल रहा है इस वक्त क्रिकेट बोर्ड की बात। नीदरलैंड के प्लेयर जो है वो इंटरनेशनल मैचेस छोड़ छोड़ कर दूसरी तरफ काउंटी वगैरह में जाकर खेलते हैं ताकि वो वहाँ से पैसे वगैरह कर सके, क्योंकि यहाँ से उनको उतना मिल नहीं पाता है। तो ऐसा नहीं है, नीदरलैंड स्कॉटलैंड के पास तो बिल्कुल एनफ मनी नहीं है, ओमान यूएई के पास जरूर है, जिसका वो भरपूर फायदा उठा भी रहे हैं। वही बात करें आदर्श पांडे की, इन्होंने पूछा है विल देयर बी एनी बेनिफिट टू द एसोसिएट टीम बाय इंक्रीजिंग द फ्रेंचाइजी लीग। कोई बेनिफिट नहीं है, आप कितनी भी फ्रेंचाइजी लीग कराते रहिए, उसमें एसोसिएट प्लेयर होते ही कहां है। बेनिफिट तो तब होगा ना जब एसोसिएट प्लेयर्स को भी कंटिन्यूअसली मौका दिया जाएगा, या फिर एक मैंडेटरी उनके लिए स्लॉट वगैरह रखा जाएगा, वो भी नहीं है। तो कम से कम 10-12 प्लेयर्स ही खेलने लगे, जब खेलेंगे ही नहीं तो स्लॉट जो है मिलेगा, तो फायदा होगा कैसे। फ्रेंचाइजी कितनी भी बढ़ती चली जाए, अब आप देखिए आईपीएल है, पीएसएल है, बिग बैश है, और ये खास करके तीनों की बात कर रहा हूँ, और हाँ इन तीनों की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें कहाँ एसोसिएट प्लेयर्स खेलते हैं। एक बात आपको मिल जाएंगे संदीप ही हैं जो काफी जगह जगह कोने कोने में जाकर खेल चुके हैं, वरना सिर्फ एक संदीप से तो काम नहीं चलेगा। एक संदीप अगर जगह जगह खेल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे एसोसिएट्स से उसको फायदा हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि सारे स्टेट्स के लिए कम से कम 10-12 प्लेयरों को अलग अलग बड़े बड़े लीग्स में अगर मौका मिलता रहे तभी फायदा होगा, वरना तो फ्रेंचाइजी कितनी भी आती रहे उससे कुछ खास नहीं। ये छोड़िए एसोसिएट की खुद की लीग नेपाल ने शुरू की जी हाँ। आप देखिए एनपीएल शुरू हुआ एक, और एवरेज प्रीमियर लीग भी आया, तो उसमें कहां कितने एसोसिएट प्लेयर अगर आप देखेंगे बाकी से, नाइबिया से, पीएनजी से, स्कॉटलैंड से, और आप नीदरलैंड से कहां थे। तो खुद में जब एसोसिएट ने एक लीग चालू की वहीं नहीं है, तो फुल मेंबर वाले लीग कराएंगे तो कहां से फिर एसोसिएट के वहाँ पर प्लेयर आएंगे। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा वो है, फ्रेंचाइजी का कोई तोड़ ही नहीं है, वो तो बेकार ही हो जाएगा। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये सबसे हाँ ये आप बिल्कुल सही कह सकते हैं कि जिन रीजंस की वजह से एसोसिएट की जो लीग हैं बड़ी बड़ी जो भी लीग्स हैं वो T20 स्टेटस के टीम्स के प्लेयर्स को अपनी लीग में जब लेते ही नहीं है, रेयरली होते होंगे, दो तीन होते हैं। तो जब आप ही अपने से छोटे के एसोसिएट टीम्स को प्लेयर्स को अपनी टीम में नहीं लेते, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फुल मेंबर्स के जो है लेंगे। पहले आपको तो अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेने होंगे, तो खैर जब आप ही नहीं कर रहे तो फिर दूसरे से भी एक्सपेक्ट करना बेकार है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हिमांशु जोशी, इन्होंने पूछा आई हैव हियर दैट कैन इज ऑर्गेनाइजिंग ओडीआई मैच विद अफगानिस्तान इन साउथ अफ्रीका फॉर द प्रैक्टिस फॉर वर्ल्ड कप क्वालिफायर, आई थिंक दे वुड आल्सो फेस साउथ अफ्रीका ए टीम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, इज दिस द बेस्ट अप्रोच एट दिस मोमेंट और कैन कुड हैव डन एनीथिंग बेटर। डेफिनेटली अगर ये अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका वाली चीज़ें अगर हो रही है, क्योंकि सुनने में भी आई है विनोद दास सर की तरफ से भी कहीं ना कहीं ऐसा निकल कर आया है, अगर ये सब चीज़ें होती है तो चलिए एक अच्छी अच्छा स्टेप है, ऐसा नहीं कि कुछ खराब स्टेप है, अच्छा स्टेप है, एक अच्छी तैयारी आपको मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए फिर हमने ऑलरेडी पाथवे एक आपके सामने रखा था, जब हमने मॉन्टी सर के सामने भी सर के बारे में बात की थी, और साथ साथ में क्या पाथवे बेहतर रहेगा उस पर भी बात की थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेफिनेटली इसे बेहतर और जरूर किया जा सकता था, जो आप कहते हैं कि बेहतर एनीथिंग बेटर, डेफिनेटली इसे बेहतर किया सकता था। हमें अभी भी लगता है कि जिम्बाब्वे या वेस्ट इंडीज में अगर कैंप वगैरह लगाए जाते, वहां पर मैचेस खेले जाते तो ज्यादा क्या ना प्रिपरेशन में हेल्प मिलती बजाय साउथ अफ्रीका की, ये दिल से कहीं ना कहीं मानता है। खैर उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, होरस, इन्होंने पूछा कि आई हैव अ टू क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिकेट बोर्ड एंड क्रिकेट एसोसिएशन। नहीं जरूर, देखिए जो हम बात करें अगर क्रिकेट बोर्ड जो है, आपने डिफरेंस पूछा है कि कुछ होते हैं जो क्रिकेट बोर्ड लगाते हैं, जैसे कि ECB इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, BCCI वगैरह, ECB, PCB, ये सब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। तो ये क्या होता है, जो उसका जो पूरा हक होता है डिसीजंस लेने का, या फिर आप ग्राउंड में जो ज़्यादातर जो रेवेन्यू निकलेगा, या पूरा क्या होगा, कहाँ ग्राउंड बनेगा या नहीं बनेगा, तो हाँ पूरा डिसीजन जो है वो बोर्ड के पास रहता है, 100% जो है वो बोर्ड के पास रहता है। तो इसे क्रिकेट बोर्ड इस वजह से लगाया जाता है, उसके जो प्रेसिडेंट है जैसे BCCI के जैसा है, मैं आपको इतनी सिंपल वर्ड में समझा देता हूँ, घुमा फिरा के समझाने की जरूरत नहीं है। जैसे BCCI है तो उसके प्रेसिडेंट अभी फिलहाल मिस्टर जयसा है, तो वो पूरा डिसीजन लेंगे हमारे इंडियन क्रिकेट का, डोमेस्टिक हो कुछ भी हो, कहाँ बनाना है, क्या स्टेडियम करना है, इस स्टेडियम में क्या फैसिलिटी लानी है, लाइटें कहाँ लगानी है, किस स्टेट में कौन सा स्टेडियम बनेगा, वो सब वो फैसला करेंगे, उनके फाइल्स उनकी तरफ से होता हुआ गुजरेगा। लेकिन अब आ जाती है क्रिकेट एसोसिएशन, ये क्या चीज़ है, यहाँ पर 50% जो है डिसीजन वो रहता है सिर्फ जो प्रेसिडेंट है आपके क्रिकेट बोर्ड के, जी हाँ इस तरीके से, और 50% वो रहता है जो सर जो गवर्नमेंट है देश की,
उस देश की गवर्निंग बॉडी जो है, जो स्पोर्ट्स काउंसिल बनाती है, उसके पास ये डिसीजन रहते हैं। अब मान के चलिए एक कोई भी बोर्ड है, मान लीजिए नेपाली है, नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल है, उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर एक लाइटें चाहिए, 3 लाइटें चाहिए टीयू ग्राउंड पर, तो ठीक है टीयू लाइट चाहिए। अब वो जाएंगे उस स्पोर्ट्स काउंसिल के पास, उनके पास फाइल लेकर, यानी कि गवर्नमेंट के पास, कि सर 3 लाइटें लगवानी है तो प्लीज़ इसे आप ज़रा सैंक्शन करिए और थोड़ा पैसा प्रोवाइड कराइए और अलाउड भी करिए। तो वो चीज़ होती है क्रिकेट एसोसिएशन, तब एसोसिएशन लगाया जाता है जब सरकार का भी इन्वॉल्व उसमें हो, इनडायरेक्टली हो, डायरेक्टली ना हो कि ऐसे पद पे आकर बैठ गए वो सीधा, खास करके आप स्पोर्ट्स काउंसिल कह सकते हैं, बिल्कुल सही। तो वो आपको लेना पड़ता है, 50-50 हो जाता है यह मामला सरकार और बोर्ड का। लेकिन जो क्रिकेट बोर्ड होते हैं वो डायरेक्ट 100%, जैसे कि BCCI है, पाकिस्तान का बोर्ड है, बांग्लादेश का बोर्ड है, इंग्लैंड का है, वो सब 100% खुद फैसला करते हैं, ना कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर। बिल्कुल सही कहा। अभी आप मोंटेकिसर सर का भी देख लीजिए, जब उन्हें इलेक्ट किया गया एज अ कोच तो वो आ गए, आने के बाद उन्होंने काम वगैरह भी शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया। क्यों? जैसे कि न्यूज आ रही थी कि स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से एक मोहर लगने का इंतजार कर रहे थे, ये इंतजार कर रहे थे, ये क्रिकेट एसोसिएशन होता है, अगर बोर्ड होता है इंतजार नहीं करते, साइन करके सामने जाता, बस ये एक छोटी सी फर्क है। उसके बाद इनका अगला क्वेश्चन था कि क्या आप नेपाल क्रिकेट के बारे में पोस्ट करना बंद कर देंगे अगर वो फुल मेंबर एक दिन बन जाते हैं, है? क्योंकि आपका जो चैनल है वो एशियन क्रिकेट के लिए आप देखिए आयरलैंड और अफगानिस्तान की भी हम रेडली बात करते हैं यहाँ पर, तो कोई सवाल ही नहीं उठता अगर नेपाल क्रिकेट फुल मेंबर बन जाता है तो इससे खुशी डेफिनेटली बहुत बड़ी खुशी होगी, एशियन टीम अगर फुल मेंबर बनती है, लेकिन डेफिनेटली हम उसको कवर करना बंद कर देंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें जो है लव यू नेपाल, उनकी तरफ से, विच इज़ योर फेवरेट एसोसिएट क्रिकेट टीम एंड वाई, एंड वाई अदर नॉट? डेफिनेटली स्कॉटलैंड, क्योंकि कोई दोहराई नहीं है, और वाई सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिस तरह से उन्होंने अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतरीन किया है, जिस तरह से उनके टाइप्स रहते हैं, जिस तरह से उनके प्लेयर्स जो हैं, अब अगर आप देखेंगे उनकी सेकंड स्ट्रिंग भी इतनी स्ट्रांग है ना कि अगर वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जाते हैं तो वो इंप्रेस करके ही इंप्रेस ये नहीं करें उनके वर्ल्ड कप तक पहुंचेंगे, इंप्रेस कर कर आएंगे, ये नहीं कि बस आ गए और बस आते डालते हैं सेकंड, आप कहेंगे अरे तो सेकंड स्ट्रिंग स्ट्रैक्टिव बेचारे बहुत बुरी तरह हार गए, वो नहीं होने वाला स्कॉटलैंड के साथ। स्कॉटलैंड डेफिनेटली इस लेवल की टीम से, उनका डोमेस्टिक इतना स्ट्रांग है, बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर उनका बेहतरीन है, अंडर 13 की बात करें, अंडर 15, अंडर 17 के प्लेयर जो है 50 ओवर का डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स खेलते हैं। उसके बाद हम बात करें उनके प्लेयर जो है रेगुलर काउंटीज वगैरह में आते हैं, टाइप बेहतरीन रहता है, स्पॉन्सरशिप के साथ, ग्रैंड कॉल्स के साथ, देखिए से उनके साथ टाइप है, तो उनके टाइप भी बहुत मजबूत है, ये सब चीजें उनको और बेहतर बनाती है कि उन्होंने जो स्ट्रक्चर बना के रखा है, वो कुछ कुछ चीजें हैं जो और बेहतर कर सकते हैं, जो फालतू के चोचले वो करते रहते हैं उससे बचाकर क्रिकेट पर थोड़ा फोकस कर सकते हैं, बायलैटरल सीरीज थोड़े तो बेहतर होगा, लेकिन ओवरऑल अगर आपने हमसे पूछा है तुम्हारी फेवरेट एशियन क्रिकेट टीम स्कॉटलैंड ही होगी, जिस तरह से वो कंडक्ट करते हैं प्लेयर, जिस तरह से उनके तैयार होकर आते हैं वो लाजवाब है, और दूसरे क्यों नहीं, बिल्कुल यही सब की वजह से जो स्कॉटलैंड के पास रीजंस हैं वो दूसरी टीम्स में यहाँ पर कमी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, CCR ऑन YouTube, इफ ऑडियंस आर की फॉर रेवेन्यू जनरेशन इन मॉडर्न डे क्रिकेट, देन इजंट नेपाल गॉट एडवांटेज अमंग अदर एसोसिएट्स? ये जरूर देखिए, ये तो वाकई में है, ये अब तो ये नेपाल के जो मेंबर्स हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं, थिंक टैंक के, उन्हें सोचना चाहिए। ये ऑब्वियसली है कि अब जब पब्लिक ही रेवेन्यू की सबसे बड़ी एक कहना होगा जरिया होती है, सोर्सेज होती है, तो क्यों ना इसका फिर फायदा क्यों ना उठाया जाए। अभी हमने देखा कैसे पिछले 10-15 मैचों में नेपाल में क्या हाउसफुल, देखिए आप भीड़, यहाँ भीड़, वहाँ भीड़, पेड़ के ऊपर भीड़, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप बयान सुनिए गैंग प्रेसिडेंट का कि हमारे पास इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है कि हम किसी फुल मेंबर को बुला सकें, इतना भी नहीं कि अफगानिस्तान आयरलैंड को इतना कांटेक्ट कर सके, वो भी इतना हैरानी भरा है। तो ये चीज़ें अपने आप में थोड़ा सा एक निराश जरूर करती हैं कि इतना ज़्यादा हाउसफुल हो रहे हैं, इतना ज़्यादा लोग भर भर के देख रहे हैं, टेलीविजन्स पर देख रहे हैं, स्ट्रीटों में खड़े खड़े होकर मैचेस देख रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा बोर्ड के क्यों नहीं उठा पा रहा है, ये अपने आप में एक थोड़ा सा नेपाल के जो बोर्ड हैं, बोर्ड मेंबर्स के थिंक टैंक है, उन्हें ज़रूर सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से एक रेवेन्यू उठाएँ, किस तरीके से जनरेट करें और थोड़ा सा बेहतर वे में हमारे तक, थोड़ा हमें भी फाइनेंशियली हम भी थोड़ा बेहतर हों, तो ये पब्लिक आ रही है तो आखिर हमारा फाइनेंस क्यों नहीं स्ट्रांग हो रहा, ये अपने आप में एक खुद पूछना चाहिए और उसके बेहतर रास्ते तलाश करने चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है, भीड़ आपके सामने है, आप उस भीड़ को रेवेन्यू में क्यों नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, आपको दिमाग खुद लगाना होगा, आपको थिंक टैंक को शार्प होना होगा कि भाई जब भीड़ आ रही है, ग्राउंड पे हाउसफुल हो रहे हैं, तो डेफिनेटली रेवेन्यूज को इंक्रीज कैसे किया जाए, TRPs के जरिए, ब्रॉडकास्टिंग के जरिए, स्ट्रीमिंग्स के जरिए और जितने भी जरिए हो उससे रेवेन्यू को बढ़ाया जाए। अगर आप इतनी भीड़ आने के बावजूद भी ये कहेंगे कि फंड्स नहीं है, तो फिर डेफिनेटली आपके
थिंक टैंक को और बेहतर करने की जरूरत है। जब आपके पास हाउसफुल का बोर्ड आप बाहर लगा रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, तो फिर ये बहाना नहीं बनता कि रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू आपको निकालना पड़ेगा, कैसे वो थिंक टैंक को सोचना होगा। मॉडर्न वेज है, मॉडर्न क्रिकेट है, तो मॉडर्न वेज भी आपको निकालने होंगे, क्योंकि इससे बेहतर मौका तो नहीं होगा। फैंस आ रहे हैं, फैंस इतना सपोर्टिव है, टीवी में चिपक कर बैठ कर देख रहे हैं, मोबाइल से बैठ कर देख रहे हैं, ग्राउंड फुल है, फिर भी अगर रेवेन्यू नहीं होता तो फिर आपको दोस्त जो है वो नेपाल क्रिकेट को या फैंस को नहीं जाता, वो डेफिनेटली थिंक टैंक को जाएगा कि आप सोच क्या रहे हैं, प्लान्स क्या बना रहे हैं, कि आप इतनी भीड़ से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन एस असबीन, इन्होंने पूछा है कैन आईसीसी बैक इंटरकॉन्टिनेंटल कप फॉर एसोसिएट नेशन, व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल भी नहीं, इंटरकॉन्टिनेंटल क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 3 नेक्स्ट एडिशन और चैलेंज लीग, जब से जैसे उन्होंने कंटिन्यू करने का सोचा, डेफिनेटली इंटरकॉन्टिनेंटल कप आउट ऑफ रेस हो गया। इसके बीच में इंटरकॉन्टिनेंटल कप डालकर फिर दो दो तीन तीन टूर्नामेंट्स एक साथ चलना, ये तो इम्पॉसिबल है, सवाल ही नहीं उठता इसका। उल्टा शेयर से बजट खींच लिया जा रहा है आराम और कह रहे हैं इंटरकॉन्टिनेंटल कप, बहुत मुश्किल लग रहा है, चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। उसके बाद पेपेस जीआरजी, इनका क्वेश्चन है आई एम फॉलोइंग गिल क्रिकेट सिंस बिगनिंग, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट, माई क्वेश्चन इज अबाउट कुशल मल्ला, वैन कुशल मल्ला का फॉर्म चल नहीं रहा था, आप कह रहे थे कि क्यों इतना चांस दिया है कुशल मल्ला को, बट नाउ ही इज डूइंग वेल, सो इस बारे में आप क्या कहते हैं? डेफिनेटली अगर एक प्लेयर को एन आप समझाएं जरूर, देखिए आपने ये हमने बात की थी कि कुशल मल्ला को जब हमने कहा था कि परफॉर्म नहीं किया है, उनको बाहर करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, जब आप पिछले क्यों एक रीज़न हम हर चीज़ का देते हैं, ऐसे नहीं कि बेवकूफ़ों की तरह इसे हटाओ, उसे हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है कुशल मल्ला से कि हाँ भाई आपने हमारी जगह खाई है, आपकी वजह से हम टीम में नहीं है, ऐसा क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका एक रीज़न था। यहाँ पर आपको ये नहीं भूलना है कि आप एक एसोसिएट कंट्री हैं, आपको लिमिटेड मौका मिलता है, और उसी में आप खेल क्या रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2, जो कि आपको सेव करना है, वरना आपको ओडीआई स्टेटस भी चला जाएगा। तो एक ऐसे प्लेयर को टीम में रखना जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, एक दो मैच हो बस, लगातार 10-10 मैच हो गए टीम में परफॉर्मेंस नहीं है, टीम हार रही है, टीम 160-170 का टारगेट चेज नहीं कर पा रही है, असर कहाँ पड़ रहा है? सीधा वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में टेबल पॉइंट्स टेबल में देखा 2022 का हाल बताइए आप क्या हाल रहा है, और वहीं पर आप देखिए आपको बिल्कुल, हमने ये कहा था, हमने सेकंड स्पिनर वाली बात बोली थी, आज देखिए सेकंड स्पिनर का क्या हाल, क्या कर रहे हैं वो टीम, और वही सेकंड स्पिनर उस वक्त संदीप जो है अपनी कप्तानी में लेते थे तो एक आध ओवर दिया बैठ जाओ कोई ना कोई ओवर ना कुछ, और उसका खामियाजा भी भुगता गया। ज्ञानेंद्र मल्ला आउट ऑफ फॉर्म है, अगर वो फॉर्म गेन कर परफॉर्मेंस के बेसिस पर टीम पर रखे तो बेहतर होगा, बजाय उसकी जगह पर आप किसी और प्लेयर को लाए, देखिए वो आउट हुए, वहां पर देखिए रन किस तरह से करने लगे, तो कई सारी चीजें हैं, आप परफॉर्मेंस करिए तब टीम में रहिए, ये नहीं कि नहीं मौके देते रहो, अरे इतने मौके नहीं होते हैं शेड्स कभी नहीं, और उनसे आपका हर मैच लगभग क्वालिफायर के बराबर ही होता है, हर मैच एक टेस्ट है भैया, ये हार गए तो ये दिक्कत हो जाएगी बायलेटर सीरीज़ को हरा के, तो इसीलिए अगर कोई प्लेयर परफॉर्मेंस कर रहा है, 2-3 दिन में फ्लॉप हुए कोई बात नहीं, 8-9-10 और आउट होने के तरीकों में भी अगर झलक रहा है तो डेफिनेटली आपको उनसे कहना होगा कि आप अभी जाइए, बेहतर होकर वापस आइए, उसके लिए आपको डोमेस्टिक भी कराना होगा जो अभी तक नेपाल में स्टार्ट हुआ नहीं है। उसके बाद डेमोन की बात करें, व्हाई कनाडा इज वेटिंग फॉर आईसीसी अमेरिका रीजनल क्वालिफायर 2023 एंड फॉर आईसीसी टूर्नामेंट, व्हाई नॉट एनी मैचेस आफ्टर अचीविंग ओडीआई स्टेटस 2? डेफिनेटली अब एक क्वालिफायर आ रहा है तो क्या उसके बारे में तैयारी नहीं करेंगे? वो अमेरिका रीजनल क्वालिफायर आ रहा है, डेफिनेटली वही वो भी आईसीसी का इवेंट है, वो ट्वेंटी वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, तो उसके बारे में इसमें क्या है, सारी टीम्स खेलना चाहती हैं, क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप खेले? डेफिनेट उसके तैयारी, और अभी अभी ओडीआई स्टेटस मिला है, धीरे धीरे शुरू करेंगे, वो मैचेस खेलेंगे, स्टार्ट करेंगे, और अभी G20 भी कहीं ना कहीं इंडिया वापस से स्टार्ट होने वाला है, तो वहाँ पे मैचेस खेलेंगे, अभी उनको मिला है तो डेफिनेटली इसका इस्तेमाल वो करेंगे, अब धीरे धीरे देखना होगा कि इस तरह चीज़ें होती है। वैसे तो स्कॉटलैंड नीदरलैंड भी भारत सीरीज मैचेस जो है वो रेयरली खेलते हुए हमें नजर आते हैं। उसके बाद गोपाल खत्री की बात करें, अगर श्रीलंका क्वालिफाई नहीं किया वर्ल्ड कप में तो क्या वो फिर भी होस्ट करेगा एशिया कप? क्योंकि एशिया कप तो सिर्फ प्रिपरेशन के लिहाज से, वर्ल्ड कप के प्रिपरेशन के लिहाज से देखा यहाँ पर जा सकता है। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है कि अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ एशिया कप प्रिपरेशन के लिहाज से, अरे किसको प्रिपरेशन की पड़ी है, वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करना है, बहुत पैसा कमाना है, होस्टिंग करेंगे एशिया कप की तो जबरदस्त अर्निंग होगी, रेवेन्यू होगा, चाहे आप ऑन स्पॉट कह लें फैंस की तरफ से, ग्राउंड्स की तरफ से, ब्रॉडकास्टिंग, स्ट्रीमिंग्स, फैंटेसी वगैरह, हम पहले कह चुके हैं फैंटेसी का बहुत बड़ा हिस्सा भी जाता है, तो कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त रेवेन्यू जनरेट होगा। वो रेवेन्यू के लिए होस्ट करने की भाग दौड़ में सब लगे हुए हैं, श्रीलंका हो, बांग्लादेश सब हो, आपको क्या लगता है उनको प्रिपरेशन की पड़ी है कि वो प्रिपरेशन हो जाएगा हमारा अच्छा, इसलिए हम एशिया कप होस्ट करना चाहते हैं? बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी, रेवेन्यू वही हमने कहा
कि ऐसे कुछ आइडियाज दिमाग लगाने होंगे थिंक टैंक को, विमाल के कि इतनी भीड़ आ रही है फिर भी अगर आप कहते हैं कि हमारे पास रेवेन्यू नहीं है तो फिर इसका मतलब है थिंक टैंक शार्प नहीं है, बिल्कुल भी शार्प नहीं है, उनके पास आइडियाज ही खत्म हो गए कि इस भीड़ से रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जा सके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विजय बोहरा, इन द प्रेजेंट टाइम विच एशियन टीम इज मोर क्लोजर टू बिकम टेस्ट नेशन? नहीं सर, स्कॉटलैंड, इसके ऊपर दोहराया नहीं है। स्कॉटलैंड जो है काफी ज्यादा जो क्रिटेरिया है ICC जो टिक कर चुका है, चाहे वुमेन्स टीम वर्ल्ड कप खेल रहा हो, मेन्स टीम जी हाँ वुमेन्स टीम का वर्ल्ड कप खेलना हो या मेन्स टीम हो अंडर 19 हो या डोमेस्टिक का स्ट्रांग होना हो, उनके प्लेयर्स के पूल इतने होने हो, अगर आप देखेंगे तो एक क्रिटेरिया, एक बेसिकली क्रिटेरिया जो है वो उन्होंने कहीं ना कहीं कंप्लीट ज़रूर किया है और बहुत ही मतलब नज़दीक है स्कॉटलैंड, लेकिन इतना जल्दी भी नहीं ICC देगा कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब हो गई हैं, हम कई बार बता भी चुके हैं। उसके बाद नीदरलैंड की बारी आती है कि नीदरलैंड भी काफ़ी नज़दीक चल रहा है, उसके बाद UAE है, वो UAE अच्छे एक ऐसे भी रास्ते से है कि क्रिटेरिया भी कर रहा है और एक अलग रास्ता है जिस पर हमने कई वीडियो बनाए भी हैं, बहुत बातें की है हमने, लेकिन अभी हाल फिलहाल में स्कॉटलैंड सबसे नज़दीक है। पर ICC के इरादे जो हैं वो अलग हैं, वो उसके इरादे कुछ और हैं, क्या है वो बेहतर जानते हैं, जानते हम भी हैं, पता कई बार चुके हैं, सुना भी है आप लोगों ने, आपको भी मालूम है ICC की और बाकियों की क्या इरादे हैं, पर स्कॉटलैंड सबसे नज़दीक। डेफिनेटली। उसके बाद दीपक शर्मा, इन्होंने पूछा है कि कितनी अच्छे टीम्स T20 वर्ल्ड कप जो नेक्स्ट वनडे का वर्ल्ड कप है उसमें खेल सकती है। डेफिनेटली 8 टीमें खेलेंगी उसमें और हमें यही लगता है कि आयरलैंड भी आसानी से वहाँ पर, आयरलैंड और स्कॉटलैंड जो है वो क्वालिफाई कर यूरोपियन से पहुँच जाएंगे और 8 टीमें ही हमें लगता है कि एशियड्स की खेलने वाली है अगर अगले T20 वर्ल्ड कप की बात करें। एंड ACC विश्व सी, इनका ये क्वेश्चन है कि ACC जो है 12 टीम्स का एशिया का क्यों नहीं कराता, 6-6 टीम का ग्रुप बनाकर, उसमें से अगर हम देखें तो ईच टीम जो है वो सुपर स्किल्ड है और टॉप 5 से क्या है एशियन नेशंस को काफ़ी ज़्यादा मैचेस मिल जाएंगे और एक्सपोजर मिल जाएगा। ये ज़रूर देखिए, ये तो आप डिसीजन लेना है आप बोलेंगे ऐसा कि एशिया रीजन का क्वालिफायर होना चाहिए ICC का ये वगैरह वगैरह जो भी है या कप होना चाहिए फुटबॉल की तरह, ऐसा कि जैसे फुटबॉल में होता है रीजन वाइज कप होते हैं तब जाके वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन होता है उन सबका, वैसे ही ऐसा होना चाहिए यहाँ पर रीजन वाइज होना चाहिए फिर वर्ल्ड कप के लिए एक सिलेक्शन होना चाहिए। देखिए प्रोसेस ये भी बहुत अच्छा है ACC का जो आपने बताया 12 टीमें 6-6 करके, बहुत अच्छा प्रोसेस है, लेकिन अब क्या होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ना इस बात रियलिटी आप अगर आप सुनना चाहते हैं तो नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, वो ऊपर वाले बोर्ड्स होने नहीं देंगे, नहीं होने देंगे, वो बड़े बड़े हैं वो चाहेंगे भाई हम अपने आपस में खेलेंगे अब खूब का 12 टीम यानी टाइम बढ़ाओ 20 दिन करो 25 दिन आ जाती है लीग से हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट है हमारी, अरे एशियड के लिए कौन इतने 20-25 दिन की लीग करेगा 30 दिन की टूर्नामेंट करेगा, ये एग्जैक्टली सोच रहती है, रियलिटी सुनना है ना आपको, तो रियलिटी तो यही है, होगा ही नहीं तो फालतू में हम क्या कहेंगे, आपको यकीन दिलाएंगे नहीं होना चाहिए, होगा होगा होगा, फेक होप देने का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल, और फिर सामने जब बोर्ड मीटिंग में होती है ये बात, ACC की बोर्ड मीटिंग में जब बात होती है ये कि ऐसा कुछ करने का कोई फैसला, अगर मान लीजिए किसी ने आइडिया दिया होगा किसी ने कि 12 टीमें कर लीजिए 6-6 ऐसा कर लीजिए, तो जो रहते हैं बोर्ड मेंबर में वो जो बड़े बड़े जो फुल मेंबर जैसे BCCI हुआ, BCB या बांग्लादेश श्रीलंका, वो यही कहते हैं कि अरे चलो हम आपके यहाँ पर कोई ACC का क्वालिफायर करा देंगे या ICC का कोई क्वालिफायर इवेंट आपके यहाँ पर होस्टिंग करवाने के लिए दे देंगे, आप थोड़ा शांत रहो अभी, थोड़ा चुप रहो अभी, चलो अभी जो मीटिंग हो गया खत्म करो, जाना है मुझे अभी वापस देश में, साइन वाइन करो चलो खत्म करो, बस यही मीटिंग का हाल रहता है, चाय कॉफी पीजिए मजा करिए, थोड़ा 2-3 जोक हो जाए थोड़ा सा बस खुशनुमा माहौल और निकलिए इस मीटिंग से कि हाँ बेहतर रहा ये वो, लेकिन सर ऐसा होना मुश्किल है कि 12 टीमें 6-6 लीग्स आ गई हैं उसके लिए टाइम देना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और डेफिनेटली अगर हम बात करें जो ACC की मीटिंग वगैरह भी होती होगी तो उनमें 3 ही बोर्ड्स का ज़्यादातर जो है वो मुख होता होगा, बाकी सब तो शायद यस सर करते करते टाइम निकल जाता है और उनको उम्मीद दी जाती है जो उन्हें भी पता है, उन बोर्ड्स के मेंबर्स को भी पता होता है कि ये होना तो है नहीं, बस उम्मीद ही कर सकते हैं, वो उम्मीद के साथ ही कहेंगे सालों साल कट जाते हैं, तो सर दिक्कत ये है क्योंकि पूरा कब्जा जमा के बैठे हुए हैं तो कुछ होना नहीं है, सारा कुछ अपनी तरफ ही खींचने की कोशिश में लगे रहते हैं। दीपक शर्मा अगला क्वेश्चन है T10 क्रिकेट के बारे में आपका क्या कहना है, क्या आपको T10 क्रिकेट पसंद है जो इतनी लीग्स वीग आ रही है T10 की, अब उसके बारे में आप क्या कह चुके, पहले हम कह चुके हैं T10 कोई क्रिकेट ही नहीं है, कचरा है, बिल्कुल बकवास है, अगर T10 कभी फॉर्मेट भी आता है रिलेटेड उसके बारे में कभी वीडियो नहीं बनाएगा, अगर उसमें एशियड्स मैचेस खेलते हैं उसमें एशियड्स के भी कभी मैच वीडियोस नहीं बनाएगा, T10 का वर्ल्ड कप भी होता है ICC T10 वर्ल्ड कप कभी हम उसका कवर नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, आप कहेंगे प्रोफेशन के लिए क्या करना पड़ता है, नहीं उतरेंगे हम क्योंकि T10 को हम क्रिकेट मानते ही नहीं है, तो हमसे कैसे करते हैं, हम क्रिकेट को क्रिकेट के तौर पर क्रिकेट को कवर करते हैं ना, चीजें को क्रिकेट मानते ही नहीं, वो तमाशा और नौटंकी के लिए बनाया गया है। खैर उसके बाद रिफात हुसैन, और खास करके लीग्स के लिए बनाया गया है, जल्दी से कमाकर फैंटेसी वगैरह के लिए एक बाजार नया ब्लैक मनी को सीधा है ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए कुछ बिजनेसमैन ने बड़े बड़े एक नई लीग एक नया फॉर्म कर दिया जिसका नाम है T10, बस ये रियलिटी है, रियल आंसर यही है। रिफात हुसैन
Bro, why don't you buy a proper wireless microphone? You are most good cricket analysis channel, but for your sound problem, you don't growing faster. Simple सी बात है, wireless microphones जो है किसी बाकियों को use करने दीजिए, content वगैरह वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि wireless microphone studio वगैरह दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, लेकिन वो reality बताने से reality से कोसों दूर रहते हैं. यहाँ पर हम content पे ही focus रहता है हमारा. आप कितना भी कहते रहेंगे हम वो change ही नहीं करने वाले, लेकिन आज बात content की आएगी, जब बात रियलिटी की आएगी, फैक्ट पे आएगी, बेहतरीन एनालिसिस की आएगी, वो सब आपको मिलेगा. अब आपको डिसाइड करना है आपको कंटेंट चाहिए या फिर बहुत चकाचौंध चाहिए. चकाचौंध अगर चाहिए तो डेफिनेटली डेली रिकॉर्ड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है. हाँ, कुछ कुछ चीजें आपको लगेगा कि हाँ बहुत ज्यादा या कुछ ज्यादा करेंगे, वो हम करते भी और हमने किया भी है. अगर आप हमारा आज से 1.5 साल पहले का वीडियो देखेंगे और अभी का वीडियो देखेंगे, आपको आवाज में भी बेहतरी नजर आएगी और आसपास की लाइटिंग में भी बेहतरी नजर आएगी. तो धीरे धीरे करते, लेकिन हमारा फोकस जो है वो कंटेंट पे था, है और हमेशा आगे भी रहेगा. इसलिए हमने क्वेश्चन पिक किया क्योंकि जरूरी भी था. खैर, लास्ट टू क्वेश्चन हैं, विशाल दुंगाना और विवेक रिमल, इन दोनों का सेम ही क्वेश्चन था कि यूएई को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, नेपाल को क्यों नहीं? आखिर यूएई को इतनी अपॉर्चुनिटीज क्यों मिल पा रही है नेपाल के मुकाबले? एंड बहुत ही सिंपल आंसर है, इसमें क्या बार बार बात करनी है. देखिए, अब इसमें क्लियर हाथ है, ये बार बार इसको चीज़ को उठाना, चाहे चलिए खैर आप अनजान होंगे, ऐसी बात नहीं है, हर किसी को इतना नहीं मालूम होता कि वो घुसे रहे हैं उस चीज़ में, लेकिन बिल्कुल क्लियर है, सपोर्ट है. आप कहेंगे पीसीबी का, बीसीसीआई का, बहुत बड़े 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 बिजनेसमैनों का, अभी हम यहाँ नाम लेने बैठे तो बहुत बड़े बड़े, इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन, एशिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन, और उन सब का हाथ है एक सबसे बड़े और दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल सुपरस्टार का. जी हाँ, हम एक्टर की बात कर रहे हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े वन ऑफ द ग्लोबल सुपरस्टार का, उनका यूएई में बहुत बड़ा हाथ है. अभी क्रिकेट लीग हुआ तो वहाँ पर उनकी टीम पहुँच गई. हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान सर की, उनकी टीम वहाँ पहुँच गई, अंबानी सर की टीम. तो आपको क्या लगता है, खाली टीम लेके चले गए? हाँ भाई, लो आ गए हम आपके पावर में लेके गए, पावर लेके गए. बीसीसीआई का, पीसीबी का, पीएसएल कितने वहाँ पर हो चुके हैं, क्या क्या हुआ. सचिन सर ने शारजा में स्टॉर्म लेके आ गए थे, तो वो सब सोर्स वोर्स कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, पावर है, पैसा है, उसकी वजह से. आपने कहा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, मिल नहीं रही है, वो अपॉर्चुनिटीज को खरीद अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है. आप सोचिए, क्या वर्ल्ड कप क्वालिफायर यूएई को मिला, क्या दूसरे एशियन को नहीं मिला? वर्ल्ड कप क्वालिफायर का प्रोसेस मिला, बिल्कुल मिला. नेपाल को देखिए, उन्हें मिला, ओमान को मिला, बाकी टीम्स को मिला, जो कर पाया ठीक, जो नहीं कर पाया वो रह गए. एसीसी प्रीमियर कप, क्या सिर्फ अकेले यूएई खेला? बिल्कुल नहीं, टीम और भी थी. तो एसीसी और आईसीसी क्वालिफायर तो सभी के लिए होते हैं, लेकिन जो बाकी अपॉर्चुनिटीज की आप बात कर रहे हैं, फुल मेंबर्स के मैचेस वगैरह, सिंपल सी बात है, कुछ के पास वो पैसा फेंकते हैं, कुछ के पास पावर का इस्तेमाल करते हैं. एक कॉन्टैक्ट किया, अरे आपको हम लीग्स में ले लेंगे ना, इतनी बड़ी बड़ी लीग्स में खिला लेंगे, शुरू कर दिया. सेकंड टीचर्स लीग तो यूएई की है, तो इसमें क्या बड़ी बात है. तो पैसा, पावर, इन सबसे वो अपॉर्चुनिटीज खरीद ले रहे हैं, जो कि आज वर्ल्ड इंडिया क्रिकेट में बहुत ज्यादा आसान होती चली जा रही है, और उनके पास बहुत आसान, और आसान से लोग बिक भी जाते हैं. ऐसा नहीं कि हाँ, ऐसा नहीं कि बिकते नहीं, ऐसा नहीं कि एशियाड में कोई नहीं बिकेगा. सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं है, कोई नहीं देखेगा. यूएई अगर चाहे तो ओमान को खरीद सकता है, ओमान के क्रिकेट बोर्ड को कुछ ना कुछ खरीद के अपने पाले में कर सकता है, वो उसको कर सकता है. ऐसा नहीं है कि अशोक पे सारे ईमानदार बैठे हैं कि वो कोई बिकेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है. अरे सबका रेट थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बिक जाते हैं, बस यही दिक्कत है. अगर वो उनका ईमान बेहतर हो जाए, वो उसका जमीर गवारा ना दे, तब जाकर कुछ बात बनेगी, तब जाकर इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज की इंसान आसानी से खरीद नहीं पाएगा. मतलब तब तक ये खरीद फरोख चलती रहेगी, तो अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिलती नहीं है, वो खरीद रहे हैं पैसे से और अपने पावर के दम पर. और इसीलिए वेस्ट इंडीज, आपको क्या के बाद क्या, प्लीज हमारे साथ एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा, हमारे साथ एक सीरीज खेल लीजिए. अरे हाँ चलिए खेलो. अरे कुछ नहीं, उन्होंने प्लीज किया, प्लीज के बाद जो लिफाफा का अगला पेपर था उसमें आपने एक ब्लैंक चेक था, भर लीजिए आप अपने हिसाब से. अरे बिल्कुल तैयार है, हम तो अपॉर्चुनिटीज हैं, ग्रैब कर रहे हैं, फ्यूचर में भी होगा, हम यूएई के लिए कुछ बेहतर है बस. तो ये रियलिटी है. फिलहाल इस आज क्रिकेट में इतना ही, जो बाकी चार क्वेश्चन है उनके लिए स्पेसिफिक वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे और फिर वो प्रेजेंट करेंगे, उसमें डीप एनालिसिस के साथ, डिस्कशन के साथ आपके सामने रखने की जरूरत है. उम्मीद है कि आपको हमारे रियल आंसर्स पसंद आए होंगे. मिर्च मसाला लगा के आंसर्स नहीं, जो रियल फैक्ट है, जो होता है, जो आगे भी होगा, वही आपके सामने प्रेजेंट किए. फिलहाल इस वीडियो में इतना, बाय बाय.